वेरी 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 गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एम चार्ट पवन गहूकर एंड लेट्स ही पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है यास बी फॉर फिफ्टी मार्क्स एंड एस एम बी फॉर फिफ्टी मार्क्स तो किसे ज्यादा वेटेज देना है एस एम पहले कंप्लीट कर देना दिस इज माई जनरल एडवाइस टू एवरी वन इन एवरी बैच ओके मूव अ ने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था विच चैप्टर डिड वी स्टार्ट विथ वी स्टार्टेड विथ इंफॉर्मेशन सिस्टम परफेक्ट ऋषिका ना एक रैपिड रिविजन कर लेते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन आर दे सेम नो दे आर नॉट सेम विच वन इज द रॉ फॉर्म डेटा इज द रॉ फॉर्म एंड विच वन इज यू नो कैंड ऑफ फिनिश गुड्स इन्फॉर्मेशन इज कैन ऑफ फिनिश गुड्स लेकिन डेटा और इंफॉर्मेशन में एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है जो जो मेजर डिफरेंस है वो है डिसीजन मेकिंग का परफेक्ट तो so, मुझे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है क्या करना पड़ेगा प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करेंगे टू एस टू गेट इंफॉर्मेशन और क्या सिंबल है प्रोसेसिंग के लिए एब्सोल्यूटली बुल्स आए परफेक्ट प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है Raise your hands. Don't leak it. ये प्रोसेसिंग किसकी होती है? है यानी हम कितना भी बोले, Raise your hands. हमको आ रहा होता है तो रुका नहीं जाता द आंसर इज वॉज द आंसर डेटा को प्रोसेस करना ही प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन सिस्टम की एंड नॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम ओके डिसीजन लेना है इंफॉर्मेशन चाहिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन सिस्टम से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी हेल्प से ऑपरेशन को सपोर्ट होगा मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा दिस इज हाउ इट वुड बी ओके चलो रेज योर हैंड्स कैन यू गिव मी द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम कमोन कमोन जर्नल मॉडल ऑफ अम वेरी गुड जायद प्रथमेश नीरज जतिन आ नहीं रहा है क्या इसका आंसर इजिएस्ट क्वेश्चन मार्क्स के लिए अगर आएगा तो ईजी क्वेश्चन है ईशा व्हाट्स यू आंसर वेरी गुड थोड़ा सीक्वेंस पे ध्यान देना चाहिए था अभा व्हाट्स यू आंसर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज एंड फीडबैक तो इसमें से सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए यूज होता है वो कौन सा कॉम्पोनेंट है रेजो हैंड्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए यूज होता है वो कौन सा दर्शन वॉट्स यू आंसर बेटा आप सल्यूटली करेक्ट इसमें से रेजो हैंड्स ओके इसमें से कंट्रोल मैकेनिज्म कौन सा है एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा होता है रुका नहीं जाता हमसे ओके okay. चलो लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस अनुष्का व्हाट्स योर आंसर परफेक्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल और इंटरकनेक्ट करने के लिए नेटवर्क नेटवर्किंग के चार टाइप्स बताएंगे नेटवर्क <laughs> के चार टाइप्स कम ऑन गाइस एनी वेरी गुड प्रथमेश प्रथमेश बोल बेटा हाँ यस आभा वॉट्स यू आंसर यू रेज यू हैंड नो अलश अल्तश वॉट्स यू आंसर ट इंटरनेट और एक्सटरनेट ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू के लिए इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया so guys, that's our, हम, हमें मेजरली इस चैप्टर का पहला पार्ट यही है कंट्रोल एक पार्ट है इस चैप्टर का और ये एक मेजर पार्ट है ठीक है so guys, कल हम लोग कौन सा कंपोनेंट कर चुके हैं सी का कल हम लोग यूजर पीपल वी क्या हम लोग पीपल को पीपल एज अ कंपोनेंट छोड़ सकते हैं जी नहीं सिस्टम को बनाते भी यही है सिस्टम को यूज भी यही करते हैं सिस्टम को मेंटेन अपग्रेड भी यही करते हैं यूजर्स आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो नॉट टू फॉगेट इनोवेशन की जिम्मेदारी इंसानों की ही है राइट तो वी गो विद नेक्स्ट कंपोनेंट से टेल मी है इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम को काफी अहमियत है और हर कंप्यूटर सिस्टम में दो पार्ट्स है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर

आज हमारा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आज हमारा मेजर कंसर्न है चलो गाइस हार्डवेयर स्टार्ट करें किसी भी कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट जो टच कर सकते हैं जो टेंजिबल है उसे हार्डवेयर कहते हैं तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है कल मैंने कंप्यूटर का प्रोसेसर दिखाया आपको तो कंप्यूटर का प्रोसेसर टेंजिबल है क्या बोलो प्रोसेसर टेंजिबल है क्या जी हाँ कंप्यूटर का प्रोसेसर छू सकते हैं हम लोग पूरी तरह टेंजिबल है पूरी तरह टेंजिबल है अच्छा ये प्रिंटर वगैरह ये सब टेंजिबल है क्या व्हाट से लेट चेक इट आउट

प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी पढ़ने हैं स्टोरेज और आउटपुट डिवाइसेस ये चारों पढ़ने हैं तो गाइस हार्डवेयर में हमें चारों डिवाइसेस पढ़ने हैं इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस डेटा स्टोरेज डिवाइसेस एंड एंड आउटपुट डिवाइसेस सुपर कूल चलो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं बोलो कीबोर्ड ये क्या है व्हाट इज दिस बार कोड स्कैनर परफेक्ट दिस इज माउस आई होपरी एंड जॉय खुफिया मशीन क्या है थोड़ी देर बाद देखते हैं ठीक है, है यह बेटा और प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस दर्शना बोलो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस तो प्रिंटर इसमें नहीं आएगा है क्या ये तो ये रहस्यमय जेरोक्स जेरोक्स कब से इनपुट डिवाइस होने लग गया चलो देखते हैं यही एक एनी वन चैतन्य बोल बेटा स्कैनर तो ये हो गया ना स्कैनर ये हो गया ना कितने बार स्कैनर ओके okay. चलो देखते हैं वो कौन सा डिवाइस है इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड इंक्लूड डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस कीबोर्ड माउस तो पॉइंटिंग डिवाइसेस है और कोई पॉइंटिंग डिवाइस दिख रहा है क्या आपको यहां पे दिस गेम्स खेलते वक्त जो जॉयस्टिक होता है पॉइंटिंग डिवाइस हो सकता है ये देन स्कैनर्स एंड बारकोड एम रीडर्स ओ हो अब इसको ध्यान से देखो क्या है ये इसके अंदर क्या जा रहा है देखो तो इसके अंदर क्या जा रहा है देखो चेक देख अगर आप देखोगे चेक अगर आप देखोगे तो हर चेक पे एक यूनिक नंबर होता है देखा है आपने जो कोडिंग हमारे समझ में नहीं आती वो होता है मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ वो लिखा होता है मैग्नेटिक इंक से। चेक इज एज गुड एज मनी ट्रू फॉल्स चेक इज एज गुड एज मनी और फर्जी चेक बहुत बनने लग गए थे इसलिए चेक जनाए नहीं या नहीं ये चेक करने के लिए एम आई सी आर मशीन आने लग गई मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेकग्निशन तो एम आई रीडर्स वेब माइक्रोफोन स्टाइलस यानी ये जो डिवाइसेज है क्या ये भी इनपुट डिवाइसेज है ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं अगर स्टाइलस तो क्या ये भी इनपुट डिवाइसेज है जी हाँ ये एम देखो अगर आप चेक देखोगे तो उसमें ना अजीब सा ऐसा कुछ नंबर होता है राइट ये मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है और मैग्नेटिक इंक बैंक्स के अलावा किसी को नहीं मिलता है फॉर सेलिंग बैंक्स के अलावा फॉर सिक्योरिटी रीजंस तो ये चेक फर्जी है या नहीं आपके क्लियरिंग हाउस में एक बार चेक होता है और क्लियरिंग हाउस आई होप सबको पता है क्लियरिंग हाउस वहां से पता चलता है ठीक है गाइस दैट्स दैट कीबोर्ड सॉरी वेबकैम्स ये हमारे पास जो लगा है वेबकैम से ही आपका डेटा मिल रहा है माइक्रोफोन ये जो मैं माइक से बोल रहा हूँ माइक्रोफोन ये भी इनपुट डिवाइस है एंड टच स्क्रीन ये भी इनपुट डिवाइसेस हो चुके हैं कीबोर्ड हेल्प्स अस विद टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डू यू अग्री कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट टेक्स्ट होता है उससे देन माउस हेल्प्स इन पोजिशन बेस्ड इनपुट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है माउस से हम लोग माउस से हम लोग यहाँ वहां करते हैं चीज़ें इट हेल्प्स इन पोजिशन बेस्ड इनपुट कैनएस एंड वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट माइक्रोफोन हेल्प इन वॉइस बेस्ड इनपुट किस बेस का इनपुट होगा किस टाइप का इनपुट होगा इस पर आपको सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं ध्यान से करिएगा इसको इनपुट okay? डिवाइस so मुझे लगता है काफी आसान लेकिन सिर्फ डेटा सिस्टम में एंटर हो जाना काफी नहीं है इस डेटा को क्या करना पड़ता है बोलो इसको प्रोसेस करना पड़ता है बायदाब यह कौन सा सिंबल है सर्कल हमें डेटा को प्रोसेस भी तो करना है तो इसके लिए प्रोसेसिंग डिवाइस ठीक है प्रोसेसिंग डिवाइस मेजर कौन सा है सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाओ प्रोसेसिंग डिवाइस इंक्लूड्स कंप्यूटर चिप्स दैट कंटेन्स सीपीयू एंड मेन मेमोरी ओ माय गॉड raise your hands can you give me an example of main memory of a computer chaitanya bol prathamesh the correct answer is ram हर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में RAM हेल्प करता है ठीक है आंसर इज वेरी वेल आंसर देर द आंसर इज रैम सो देंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द एक्चुअल हार्डवेयर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना किसी भी प्रोग्राम को किसी भी सॉफ्टवेयर को यानी क्या रन करना अगर आप हम कोई भी ऐप चला देते हैं तो हम क्या करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते प्रोग्राम को रन करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन एंड कॉर्डिनेट्स हाउ ऑल द अदर हार्डवेयर डिवाइस वर्क टूगेदर सी पी यूज एक मिनट ये जो सी पी यू है जो सी पी यू है ये छोटा तो सा तो टुकड़ा तो होता है इसलिए इसको कहते हैं फ्लेक और ये बनता है सिलीकॉन से सी पी यू इज बिल्ड ऑन स्मॉल फ्लेक ऑफ सिलिकॉन एंड कैन कंटेन द इक्वेलेंट ऑफ सेवरल मिलियन ट्रांजिस्टर्स तो अगर आप देखेंगे सीपीयू को ध्यान से तो इस पर छोटे 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 जो चीजें हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी और डेटा सप्लाई होता है ये सारी चीजें क्या है ट्रांजिस्टर क्या है ये ट्रांजिस्टर्स या ऑन स्मॉल फ्लेक फ्लेक इन ए टुकड़ा ऑफ सिलिकॉन एंड कैन कंटेन सेवरल मिलियन ट्रांजिस्टर्स वी कैन थिंक ऑफ ट्रांजिस्टर्स एज स्विचेस स्विच कुड बी ऑन और ऑफ टेकिंग अ वैल्यू ऑफ वन और जीरो ट्रांजिस्टर क्या करता है बंद शुरू बंद शुरू होता है तो अगर वो शुरू होता है तो वन होता है और बंद तो होता है तो जीरो होता है ये शुरूबंद शुरूबंद होने का कंप्यूटर से क्या लेना देना रेजा हैंड शुरू बंद शुरू होने का कंप्यूटर से क्या लेना देना जीरो वन जीरो 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 कंप्यूटर से क्या लेना देना ऑन गाइस स्टोरिंग कोडिंग मजा नहीं आया विपुल बोल बेटा कंप्यूटर की लैंग्वेज है क्या कहते हैं उसको अल्तश बोल करेक्ट वेरी गुड विपुल इसको कहते हैं बाइनरी इसको क्या कहते हैं बाइनरी बाय द वे बाइनरी यानी क्या कितना नंबर सिस्टम टू नंबर सिस्टम वेरी नास जीरो वन जीरो वन बाइनरी ठीक है एक मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाओ क्या एक्स्ट्रा पढ़ाओ ठीक है तुमने कभी सुना है ऐसा सुना है ऐसा बिट्स सुना है बिट्स

बाइनरी डिजिट्स कहां से क्या खेलाया बी आई एंड आई टी एस बाइनरी डिजिट कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज जीरो एंड वन का लैंग्वेज उसको कहते हैं बाइनरी मुझे पता है आपका मैथ्स वीक है अगर नहीं है तो प्रूफ कर दो कंप्यूटर बिट्स के दुनिया में खेलता है हम इंसान वी एज अ स्टूडेंट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़े कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है बिट्स बाइनरी डिजिट जीरो वन जीरो नंबर सिस्टम में पढ़े हम कौन से नंबर सिस्टम में पढ़े वेरी गुड नीरज तुमसे उम्मीद थी मुझे इस आंसर की वेरी गुड अल्तज वेरी गुड आभा मेरे भाभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या हुआ ऋषिका ईशा सुजल दर्शना सुचित केतन वेरी गुड केतन बोल बेटा आभा व्हाट्स यू आंसर अरिथमेटिक अच्छा फेंका तुमने वेरी नाइस nice. केतन तुम्हारा आंसर एकदम धीरे बोला तुमने अच्छा हुआ तुमने धीरे बोला नीरज व्हाट्स यू आंसर कौन सा देवनागरी नहीं हमने नंबर सिस्टम कौन सा पढ़ा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितने नंबर्स हो गए ये हो गए टेन नंबर्स डेका। इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम केतन एब्सोल्युटली करेक्ट इट वाज जस्ट उसने धीरे से बोला था केतन वंडरफुल हम लोग बचपन से पढ़े हैं डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम के आगे भी होता है क्या

द प्रोसेसर और अ सीपीयू इज लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो गाइस ये जो सीपीयू है इसको ठीक है प्रोसेसिंग डिवाइस को सीपीयू भी कहते हैं इसको प्रोसेसर भी कहते हैं इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं माइक्रो यानी छोटा छोटा सा टुकड़ा पूरे कंप्यूटर का सबसे महंगा पार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो दैट इज हाउ इट इज तो बकूल आगे बढ़े एक और सवाल अगर ये सब समझ गया है तो आगे बढ़े हम अब इसके पहले ये मुझे बता दो सिलीकॉन रेजो सिलिकॉन यानी क्या जैसे सॉल्ट यानी NaCl है ना ओए मेरे केमिस्ट केमिस्ट्री तो जैसे सॉल्ट के लिए केमिकल वर्ड है एनएसीएल सोडियम क्लोराइड एम राइट आई होप आई एम राइट तो वैसे ही सिलिकॉन यानी नॉर्मली क्या हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल है ट्राई करो कम आन, दर्शना एक भी आंसर नहीं आ रहा है ईशा एक भी आंसर नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं पता है क्या बचपन से तुम्हारा कॉमर्स था क्या नहीं सेमीकंडक्टर नाम को कौन सा एलिमेंट पढ़ाया तुमको केमिस्ट्री में बहुत ही फर्जी केमिस्ट्री पढ़े हो तुम जाायद आ दर्शना तुमको तो पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं ऐसा लगता है मुझे आभा बोलो क्या ऐसा है तो वो उसका सिंबल हो गया ना सिलीकॉन याने क्या सिलीकॉन याने सैंड और तो सैंड से क्यों बनता है ये ये सैंड से क्यों बनता है कभी रेत को पिघलते हुए देखा है क्या रेत पिघल गई वे ऐसा देखा है आसानी से नहीं पिघलती है रेत मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और कंप्यूटर की सारी जो चिप्स होती है वो गर्म होती है इट प्रोसेस ना तो हम भी ज्यादा सोचते तो दिमाग गर्म हो जाता है कि नहीं वैसे ही प्रोसेसिंग डिवाइसेस गर्म हो जाती है तो वो हीट अप होके मेल्ट होने का चांस है सैंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए ये डिवाइस किसका होता है किससे बना होता है सिलिकॉन यू गो ओके तो वी शलड प्रोसेसिंग डिवाइस में अब सीपीयू के फंक्शंस देखते हैं The main function of CPU is to execute programs stored in the memory. It consists of three functional units. सबसे पहला है control unit. सबसे पहला कौन सा unit है Control unit. हमारा brain हमारी body को control करता है क्या सोचो जरा hmm. चलो Tally is an application software. क्या हमने कल पढ़ लिया था ये part? टेलीजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है रोहिणी रो क्लियर है बेटा अनुष्का टैली an एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टैली वगैरह यूज किया है किसी ने चलो आई होप और ये प्रिंटर मोस्टली कौन से कंपनी का होता है ये हुई ना बात नाइस अब मुझे बताओ ये जो हार्डवेयर है और जो टैली है क्या ये दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है एचपी एचपी प्रोडक्ट ना बेटा खरी सॉफ्टवेयर तो प्रोडक्ट ही हो गया ना बेचते हैं ना उसको एचपी इज अमेरिकन कंपनी हार्डवेयर बनाती है टैली इज अ सॉफ्टवेयर इंडियन कंपनी टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड टैली बनाती है क्या दो अलग अलग कंपनीज हैं चलो टैली में प्रिंट का कमांड बताओ टैली में मुझे बैलेंस शीट प्रिंट आउट लेना है प्रिंट का कमांड बताओ जल्दी बताओ कंट्रोल पी ये भी ना बात लगाओ बोली कंट्रोल पी अल्ट पी और फेको दर्शन कुछ कह रहे थे आप द आंसर इज अल्ट प्लस पी द आंसर इज अल्ट पी सो गईज हमने तो बचपन से कंट्रोल पी देखा है ये प्रिंटर कभी कंट्रोल पे चलेगा कभी कंट्रोल पी पे चलेगा, पे चलेगा कभी अल्ट पी पे चलेगा उसको समझेगा कैसे उसको समझेगा ये प्रोडक्ट दो अलग अलग कंपनीज के हैं सॉफ्टवेयर अलग कंपनी का हार्डवेयर अलग कंपनी का इनके बीच में कंपैटिबिलिटी कहां से आएगी आई होप यू आर गेटिंग माई पोजिशन सिचुएशन समझ रही है आपको इस एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो भी इश्यूज़ है उसको कंट्रोल करने का काम और जो यूजर चाहता है वो काम कंट्रोल हो जाए उसका पूरा काम करवाता है कौन पी का पहला फंक्शन उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट क्या कहते हैं उसको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट फ्लोज द कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम मेमोरी इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल्स स्क टू एग्जीक्यूट एंड वेन कब कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना ये कौन डिसाइड करता है टीपीयू का कौन सा फंक्शन कंट्रोल यूनिट प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ये डायग्राम हमारे और भी काम आने वाला है अगले कॉन्सेप्ट में इसको ध्यान से बनाइए आप सारे डायग्राम्स आपको आंसर बनाने में बहुत हेल्प करेंगे

वर्ड वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल प्रिंट करनी है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है कंट्रोल पी फ्रॉम द मेमोरी इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन समझता है एंड कंट्रोल्स द टास्क टू एग्जीक्यूट एंड व्हेन कभी भी प्रिंटआउट निकाल देगा या जब हम चाहेंगे तभी होना चाहिए बोलो जब हम चाहेंगे तभी होना चाहिए हाँ वो कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट अच्छा एक बात बताओ जितना भी तुमको मैथ्स समझा है आज तक क्या कहते हो तुम मैथ्स इज ऑल अबाउट मैक्स मैक्स इज ऑल अबाउट ये मेरा बिलीव सिस्टम है आप बोलो अग्री करते हो नहीं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ग्रेटर देन करेक्ट है क्या लेस देन वेरी नाइस इक्वल मैथ्स खत्म क्या बोलते हो यही है एट द एंड ऑफ द डे तुम कुछ भी और ढूंढने की कोशिश करो हाँ इसमें इसमें कुछ एडिशन अगर हम लोग करें तो ये एक एडिशन कर सकते हैं मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेर ऑल द अरिथमेटिक्स कम टू एन एंड खत्म टाटा बाय बाय सब कुछ हो जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस का दूसरा फंक्शन है ए एल यू बचपन में हमको स्कूल में सिखाते थे आलू ये वही है दूसरा फंक्शन है अरिथमेटिक्स करना और लॉजिक्स परफॉर्म करना अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक्स ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन लॉजिकल कंपेरिजन ऑफ नंबर्स इक्वल टू ग्रेटर देन लेसर देन एटसेट्रा सारा काम प्रोसेसिंग का लॉजिक का सारा काम एडिशन सब्ट्रैक्शन का सारा काम कौन परफॉर्म करता है ए एल यू ओके उसके बाद तीसरा कंसेप्ट है तीसरा फंक्शन है रजिस्टर अगर मैं आपको एकदम से कोई ई का या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का या फिर कॉस्टिंग का कोई फॉर्मूला पूछ लू तो एकदम से क्लिक नहीं होगा थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या कहते हो लेकिन अगर मैं आपको रात को तीन बजे उठा के आपका नाम पूछ लू तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा क्या yes no? उसमें क्या सोचना है अबे yes, <laughs> संस्कार व्हाट इज दिस फ्राइडे को नहीं पूछूंगा मैं फ्राइडे सैटरडे को नहीं पूछूंगा फ्राइडे सैटरडे की रात को ठीक है ट्यूसडे रात को पूछूंगा आएगा क्या अब ऐसा है ठीक yes, है प्रोसेसिंग जो डिवाइसेस है प्रोसेसिंग जो डिवाइसेस है ठीक है उसके अंदर थोड़ी सी अपनी खुद की मेमोरी होती है वो मेमोरी बहुत कम होती है लेकिन खुद की मेमोरी होती है उस मेमोरी को कहते हैं क्या कहते हैं रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है ये जैसे हमारे फोन में छोटे से मेमोरी कार्ड्स होते थे वैसे ही सीपीयू के अंदर भी छोटी सी मेमोरी होती है उसको कहते हैं रजिस्टर्स डीजा हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स विद इन सीपी फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा थर्टी टू और सिक्सटी फोर बिट्स हाई स्पीड मेमोरी यूनिट विद इन सीपी फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हाँ दर्शना कुछ कह रहे थे आप दर्शना बिट्स का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट रजिस्टर्स स्पीड अब मुझे एक बात बताओ हाई स्पीड दो टाइप का खुद पे कुछ मत लेना ये सब एग्जाम्पल है बस मुझे बताओ अगर किसी का वजन ज्यादा तो उसकी स्पीड बोलो वेरनास वजन ज्यादा स्पीड कम वजन कम रिलेटिवली स्पीड ज्यादा करेक्ट रजिस्टर्स की मेमोरी अलतश तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूं हज मत ठीक है रजिस्टर्स की मेमोरी कम होती है इसलिए उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी एम का गोल्ड है ये रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स और नॉट इस पे वो एम बना सकते उपकुल, तो द थ्री कंसेप्ट ऑफ द थ्री फंक्शंस ऑफ सीपीयू आर पहला कंट्रोल यूनिट दूसरा ए और तीसरा रजिस्टर्स है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए वट आर द कंपोनेंट ओके वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्जाम में कंपोनेंट्स ऑफ सीपी भी पूछ सकते हैं लेकिन इन्होंने फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सीपीयू पूछा है ठीक है सो दैट इज हाउ इट इज तो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इनके तीन फंक्शनल यूनिट्स हैं कंट्रोल यूनिट लॉजिक्स के लिए कैलकुलेशंस के लिए एएल यू और थोड़ी सी जो मेमोरी होनी चाहिए खुद की वो मेमोरी के लिए हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स है उनको कहते हैं रजिस्टर्स क्या कहते हैं रजिस्टर। सो दीज आर द्री फंक्शन यूनिट्स ऑफ सीपीयू। बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आता है बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा अल्तश बोलिए आई एम नॉट एबल टू हेयर यू अल्तश आवाज आ रही है बोलो बोलो उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि उसमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत नहीं है उसको सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए जो टेम्पररी छोड़ी सी मेमोरी चाहिए वो प्रोवाइड कर देता है बस उसमें स्टोर कुछ नहीं होता है लेकिन कोई चीज़ प्रोसेस करना है थोड़ी सी जो मेमोरी चाहिए ना आप समझ रहे हो किसी भी चीज़ को जैसे तुम बहुत थके आ रहे हो और तुमको मैं बोल रहा हूं चलो ये कैलकुलेशन करके दो आप क्या बोलोगे नहीं यार अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो क्या नहीं अवेलेबल है वले वले? मेमोरी अवेलेबल नहीं है एक बार मेमोरी अवेलेबल हो जाए इसलिए तो इसलिए तो जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम में जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम में प्रोसेसिंग के नीचे क्या दिया देखो तो थोड़ी सी स्टोरेज थोड़ी सी स्टोरेज चाहिए सर ये स्टोरेज कम पड़ गई तो ये स्टोरेज कम पड़ गई तो और भी मेमोरी प्रोवाइड करेंगे चिंता का विषय नहीं है इसके लिए और हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे ओके तो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस डन प्रोसेसिंग डिवाइसेस डन बोलो इनपुट डिवाइसेस डन प्रोसेसिंग डिवाइसेस डन अब आते हैं अल्तश अब आता है तो अल्तश की प्रॉब्लम अब सॉल्व होगी अब आते हैं डेटा स्टोर करने के डिवाइसेस डेटा स्टोर करने के डिवाइसेस डेटा स्टोरेज डिवाइसेस सो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस तो में पहली मेमोरी देखो कौन सी है डेटा स्टोरेज डिवाइस रेफर्स टू द मेमरी वे डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ मेमरी टेक्निक्स और डिवाइसिस आर एस फॉलोज तो इंटरनल मेमरी के अंदर दो मेमरीज है इंटरनल मेमरी के अंदर दो मेमरीज है कौन सी कौन सी प्रोसेसर रजिस्टर ये तो पढ़ा है नहीं सर आपने प्रोसेसर रजिस्टर अब भी जो हमने ये पढ़ा है ना इट वॉज नथिंग एल्स बट प्रोसेसर रजिस्टर रजिस्टर्स एंड एंड कैश मेमरी दूसरी मेमरी क्या है कैश मेमोरी तुमको कैची बोलना है तो कैची भी बोल सकते कौन सी मेमोरी कैश मेमोरी ठीक है तो रजिस्टर्स पढ़ते हैं प्रोसेसर रजिस्टर्स आर इंटरनल मेमोरी विद इन सीपीयू विच आर वेरी स्मॉल वेरी फास्ट एंड वेरी स्मॉल एक मिनट ये विद इन सीपीयू बोल रहा है ऐसा तो बढ़ा ही नहीं मैंने आपको विद इन सीपीयू बोल रहा है सही है क्या इफ यू कुड सी इट गाइस बहुत ज्यादा इसमें मैं कोई इमेजिन नहीं करवा रहा हूं आपको हर चीज दिखा रहा हूं सीपीयू के अंदर छोटा सा टुकड़ा होता है दैट इज रजिस्टर क्या रजिस्टर की मेमोरी बहुत कम होती है और आंसर व्हाट इज द मेमोरी ऑफ रजिस्टर ध्यान नहीं है तुम्हारा अगर तुमको ये आंसर नहीं आता तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा संस्कार रोहिणी Raise your hands, Zayed. Raise your hands. What are you doing? Niraj, bull. Thirty-two bits. फिर से मैं इसको लॉजिक बता देता हूं अगर रजिस्टर के अंदर एक ही फ्लेक है तो 32 बिट्स रहेंगे और अगर दो फ्लेक्स है रजिस्टर के तो 64 बिट्स रहेंगे ओके वेल डन इंटरनल मेमोरी क्यों बोल रहे हैं अरे सीपीयू के अंदर है उसको यानी अगर मुझे रजिस्टर चेंज करना है तो मैं सीपीयू में खोल के दूसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा नहीं डाल सकता मुझे पूरा सीपीयू ही बदलना पड़ेगा दूसरा कैश मेमोरी इसको भी मैं एक्सटर्नली नहीं डाल सकता इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा इसलिए ये सारे कैसे मेमरीज हैं इंटरनल मेमोरीज कैश मेमोरी ओके चलो कैश मेमोरी पढ़ने के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा मुझे आप थोड़ा मुझे आप हेल्प करो थोड़ा हम लोगों को आगे पीछे जाना पड़ेगा ठीक है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में या इसके पहले हमने मेन मेमोरी पढ़ा था राइट व्हाट इज द मेन मेमोरी का एग्जांपल डेट आई गेव यू रैम ठीक है तो प्राइमरी मेमोरीज़ आर मोस्टली रैम एंड रोम रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी इस पे जरूर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रैम और रैम का डिफरेंस हम लोग इसको इतमान से करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है अब हमारे सिस्टम में हमें थोड़ी और मेमोरी चाहिए होती है प्रोग्राम रन करने के लिए क्या हम एक साथ मल्टीपल एप्स शुरू कर देते हैं आजकल सिस्टम में बोलो सिस्टम में हम लोग एक साथ मल्टीपल एप्स शुरू कर देते हैं ठीक है मल्टीपल एप चलाने के लिए रजिस्टर्स में इनफ मेमोरी है क्या बोलो रजिस्टर में तो कोई मेमोरी नहीं है थर्टी टू बिट्स में तो एक गाना नहीं आता आपका एम आई राइट रैम की जनरली मेमोरी कितनी होती है रैम की जनरल अगर आप अपना सिस्टम चेक करोगे कंप्यूटर तो रैम होगी आपके कंप्यूटर की कम से कम दो जी बी चार जी बी हेलो चार जी बी आठ जी बी या सोलह जी बी रैम की थोड़ी सी मेमोरी थोड़ी ज्यादा होती है ओके okay, हमारा जो ये सारा सॉफ्टवेयर चल रहा है ना अभी आपकी क्लास चल रही है हमारा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है ये सब सब कहा शुरू है रैम में शुरू है और अगर मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा और स्विच ऑन कर दूंगा वापस तो सारे ऐप्स अपने आप शुरू हो जाएंगे क्या जी नहीं राम की रैम की मेमोरी पूरी जीरो हो जाएगी गाइस आ जाओ प्राइमरी मेमोरी कैश प्रोसेस रजिस्टर और कैश के बीच का डिफरेंस और कैश मेमोरी हमें पढ़ने के लिए थोड़ा कुछ और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा फिर हम इस पर वापस आएंगे प्राइमरी मेमरी आर डिवाइसेज इन विच एनी लोकेशन कैन बी एक्सेस बाई प्रोसेस रजिस्टर्स इन एनी ऑर्डर इन कॉन्ट्रास्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर पहले के जमाने में एकदम तरीके से डेटा एक्सेस हुआ करता था लेकिन जब से रैम आया है तब से डेटा रैंडमली एक्सेस होता है इसलिए इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलोटाइल इन नेचर मीन इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सून एज द पावर इज टर्न ऑफ वॉलोटाइल वॉट द वर्ड वॉलोटाइल बताता हूं मैं तुमको थोड़ा एक टीचर इतनी मेहनत करके तुमको कुछ कुछ पढ़ाता है ठीक है बहुत मेहनत करके तुमको चीजें पढ़ाता है और तुम दूसरे दिन एकदम कन्वीनियंटली ये सब भूल जाते हो तो एज अ स्टूडेंट हमारी मेमोरी कैसी होती है वॉलेट सॉरी स्टूडेंट हमारी मेमोरी कैसी होती है वॉलरटाइल मेमोरी होती है एज ए स्टूडेंट हमारी मेमोरी होती है वॉलरटाइल मेमोरी रैम भी जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ जो भी उसने हमारे एप्स खोले थे ना सब बंद कर देता है वो सब बंद कुछ नहीं छोड़ता है वो यानी आपका डेटा ठीक है आपका डेटा जो है आपका जो डेटा है वो पूरा पूरी तरह उड़ जाएगा अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यार बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं बचपन में हम बॉयज़ लोग आपका आपको समझेगा मैं क्या कह रहा हूं हम मूवीज देख रहे थे अपने घर के कंप्यूटर पे अचानक से मम्मी आ गई हम पूरा कंप्यूटर ही ऐसा बंद कर देते डायरेक्ट तो अब वो मूवी वहीं से शुरू होती थी या फिर से शुरू करना पड़ता था बताओ हाँ अब समझे हो तुम क्योंकि रैम में जो डिवाइड रैम <laughs> में जो मेमोरी है वो कैसी है वॉलेटाइल उसमें से सब उड़ जाता है तो रैम इज अ अटाइल मेमोरी मींस इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज द पावर इज टर्न ऑफ दिस इज अ रीड माई राइट मेमोरी हुज मेन पर्पज इज टू होल्ड प्रोग्राम एंड डेटा वाइल्ड दे आर इन यूज ये रैम का, का काम क्या है उस मेमोरी को और उस डेटा को होल्ड करके रखना कब तक जब तक के डिवाइस शुरू है इंफॉर्मेशन कैन बी रेड रैम का डेटा रीड भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है इंफॉर्मेशन कैन बी रेड एज वेल एज मॉडिफाइड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट कंप्यूटर इज यूजिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट रैम का काम क्या है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन वेन द कंप्यूटर इज यूजिंग इट एट द प्रेजेंट मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट में जो है वही स्टोर करेगा वो कंप्यूटर ऑफ डेटा गया कंप्यूटर ऑफ तो डेटा गया ओके okay, अब मुझे बताओ क्या हमें कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ऑपरेट होते वक्त परमानेंटली होनी चाहिए स्टोर रैम में तो सब जीरो हो जाता है एम राइट रैम में सारा डेटा जो भी आपका है वो क्या हो जाता है कंप्यूटर ऑफ करने के बाद जीरो जैसे आपकी बॉडी सुबह उठना भूलती है क्या सुबह उठ जाते हैं हम लोग जो भी हमारा तरीका है वैसे ही उठते हैं लेकिन उठते हैं हम लोग कंप्यूटर को भी बूट होना पड़ता है कंप्यूटर को भी स्टार्ट होना पड़ता है तो स्टार्ट करने की प्रोसेस वगैरह वगैरह कुछ चीजें हमेशा के लिए सिस्टम में स्टोर रहनी चाहिए और उसके लिए हमारे पास होता है रोम यहां पे डेटा चेंज नहीं होता ये परमानेंटली छोटी सी मेमोरी होती है और ये परमानेंट होती है दैट इज रोम रीड ओनली मेमोरी सो रोम दिस इज अ नॉन इन नेचर कंटेंट्स रिमेन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पावर किसको टॉन्ट मार रहा है बोलो रैम को टॉन्ट मार रहा है रैम में तेरे जैसा नहीं है कंप्यूटर बंद तू भी बंद ऐसा नहीं है हमारा हमारा सिस्टम का डेटा हमेशा रहेगा यूजुअली दे आर यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रेफरेंस बाय द सीपीयू सीपीयू तो को क्या लेना देना है इन CPU तो है इन सब की मदद लेने वाला करेक्ट वही तो मेन है वेरी गुड दर्शना वही तो मेन है इंफॉर्मेशन कैन बी रेड नॉट मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन कैन बी रेड नॉट मॉडिफाइड यानी आप इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते हो क्या रैम में इंफॉर्मेशन को रीड भी किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है इस रॉम में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते सिर्फ रीड कर सकते है. इसलिए तो उसका नाम क्या है रीड ओनली मेमोरी जनरली यूज बाई मैन्यूफेक्चरर्स टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम लाइक ट्रांसलेटर दैट इज यूज रिपीटेडली ठीक है ट्रांसलेटर्स क्या करता है ट्रांसलेटर्स क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है यानी बाइनरी में तो ये हमेशा करता है कंप्यूटर तो ये कन्वर्जन का ट्रांसलेशन का प्रोग्राम रैम में रोम में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर की बूट सेटिंग्स भी कहाँ स्टोर की जाती है रोम में लिख दो कंप्यूटर की बूट सेटिंग बूट यानी क्या किसी भी चीज को शुरू करना जैसे अगर हमको उठाना है तो हमारा बड़ा भाई क्या करता है हमको बूट करता है समझ गया ना तुम गाइस डायरेक्टली रैम और रोम का डिफरेंस देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी गाइस मोस्टली अग्री करने वाले ही पॉइंट्स हैं। वॉलेटाइल इन नेचर मींस इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ तो डिड वी नो दिस दैट रैम इज

Information access: Information can be read as well as modified. ROM me Information can be read, not modified. So guys, you know it allows reading and writing. It allows only reading. Storage: RAM is responsible for storing instruction and data that the computer is using at the present moment. That is why it is a. cache memory? RAM is a temporary memory. I like the word temporary. दीज अर जनरली यूज बाई मैन्युफैक्चर टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स लाइक ट्रांसलेटर्टर दैट यूज रिपीटली ट्रांसलेटर्स को हाईलाइट कर दो ट्रांसलेटर्स को अगर आपको लिखना है थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है तो जो रिपीटेडली यूज होते हैं वो परमानेंट मेमरी में रोम में स्टोर किया जाता है इम्पैक्ट वॉलेटाइल मेमोरी सच एज रैम हैज हाई इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस सिस्टम की स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता तो नॉन वोलेटाइल परफॉर्मेंसरी परीप तो गाइज रैम कॉस्टली होता है रोम चीप होता है रैम स्पीड इज क्वाइट हाई रोम स्पीड इज लोअर देन रैम का कुछ स्पीड का लेना देना ही नहीं है रोमे छोटा सा डेटा होता है बस और कुछ काम नहीं है उसका रैम मेमोरी इज लार्ज एंड हाई कैपेसिटी रैम इज जनरली स्मॉल एंड ऑफ लो कैपेसिटी तो कहीं सुनो ना रोम का सिस्टम के परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है वो सिर्फ सिस्टम को शुरू करके आपको ट्रांसलेशन करके दे देता है उसके बाद रोम का कोई रोल नहीं है हम ये नहीं कह रहे रोम इंपॉर्टेंट नहीं है रोम भी इंपॉर्टेंट है सुनो ना रैम हो या रोम हो दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है दोनों इंपॉर्टेंट है अभी सिस्टम चालू ही नहीं होगा तो क्या करेगा समझ रहे हो दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन रोम का एक पॉइंट के बाद सिस्टम को कोई यूज नहीं है सिस्टम के स्पीड में रोम का कोई हाथ नहीं होता है रैम का रैम अगर कम पड़ गई तो सिस्टम स्लो हो जाता है रैम अगर कम पड़ गई तो सिस्टम स्लो हो जाता है ये क्या रे व्हाट इज दिस बोलो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो रैम व्हाट इज दिस रोम परफेक्ट अब मुझे बताओ रैम कितना जी बी होता है चलो मेरे कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर का चेक करते हैं मेरे कंप्यूटर का चेक कर लेते हैं दर्शना कैन यू गाइड अस कंप्यूटर की रैम कैसे चेक करते हैं हेल्प करो मुझे कल ही सिखाया था मैंने इसी में जाओ वेरी गुड वेरी गुड चैतन्य प्रॉपर्टीज में जाओ गया प्रॉपर्टीज में इसी में जाओ प्रॉपर्टीज में जाओ क्लिक एंटर किया प्रोसेसर प्रोसेसर के नीचे कितना देखो एट जी बी रैम तो आप ये ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रोसेसर और रैम ये यानी कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए एक मेमोरी है उसकी इंटरनल मेमोरी रजिस्टर करेक्ट और एक मेमोरी है ये रैम आपका कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा ये डिपेंड करता है कितना अच्छा रहेगा ये डिपेंड करता है कंप्यूटर की रैम का साइज क्या तो प्रकुल अब मुझे बताओ कोई अच्छी मूवी बताओ जो तुम्हारी फेवरेट है हमेशा होती है तुम्हारे पास तुम्हारे वेरी गुड आपकी थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स दिल चाहता है अलतश ने कहा हैंग ओवर क्या एम एस धोनी वेरी गुड एम एस धोनी और हेरा फेरी हैरी पॉटर है ना सुचित कौन सी मूवी अच्छी लगती है बेटा वसेपुर वेरी गुड मिर्जापुर तो ये होगी दस पंद्रह मूवीज अब ये मुझे हमेशा अपने कंप्यूटर में चाहिए क्या कहते हो ये हमें हमेशा कंप्यूटर में चाहिए जब भी भी मन किया खोलो पढ़ाई का मन नहीं किया थोड़ा फ्रेश हो जाओ मूवी देखना चालू कर दो अब मोहम्मद क्या सोच रहे हो तो तू अलतश क्या सोच रहे हो समझ गया मैं क्लास के बाद तुम वीडियो कॉल करो मुझे देखता हूँ तुमको मैं ठीक है अब जो रैम है अब जो है, वो आठ जी का है हमारी मूवीज कितनी होगी रे पंद्रह बीस तो मूवीज होगी हमारी तो कम से कम पंद्रह बीस मूवीज अच्छी क्वालिटी में फोर तो <laughs> के में क्यू अलता फोर के तो अच्छा काश तुम्हारे सबके वीडियोस चालू होते तो मजा ही आ जाता तो तुम्हारा चेहरा देख के तो भाई हमारी मूवीज होगी तीस चालीस जीबी की रैम में फंसेगी तीस चालीस जीबी ऊपर से रैम इज अ टेम्परवारी मेमोरी करेक्ट करेक्टर मेमोरी है कंप्यूटर बंद डेटा गायब डेटा इरेज इसलिए तो हमने कहा था रैम कैसा मेमोरी है बोलो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन हमें वो मूवीज हमेशा के लिए चाहिए कंप्यूटर में हमारे हैरी पॉटर हमें हरमाइनी को देखना है हमें वो मूवीज हमेशा हमारे कंप्यूटर में मदर ऑफ इन्वेंशन रैम से कुछ हो नहीं पा रहा था तो हमने सेकेंडरी मेमोरी का इजाद किया वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी मेरा कैश मेमोरी अभी भी बचा है हम करने वाले हैं डोंट वरी टीपी रेफर्स टू द मेन मेमरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम सीपी टू दिन मेमोरी मेन मेमरी कौन बताता हूं यह क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी हमने मूवी प्ले किया हमने क्या किया मूवी प्ले कर दिया हमने मूवी प्ले कर दिया तो अब ये कहा मूवी ये से डबल क्लिक करने के बाद रिट्री होगी रिट्री होगी वो कहा आएगी रैम में रिट्रीव होगी वो आएगी रैम में और रैम से प्रोसेसिंग के लिए किसके पास जाएगी सीपीयू के पास ठीक है जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होगी जैसे अब हम लोग जो भी एक दो ऐप चला रहे हैं ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ एक दो ऐप और खोल देता हूँ जैसे कोर बैंकिंग सिस्टम का एक फाइल ओपन कर दिया मैंने ठीक है सी ए इंटर का ठीक है एक ग्रेप वीडियोस ओपन कर दिया हमने ठीक है अब हमने ये सब तीन कर दिया ओपन अब इसको हम करते हैं टास्क मैनेजर अब देखते हैं मोर डिटेल देख रहे हो आप इतनी सारी चीजें शुरू है ग्रेप वीडियोस माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और टास्क मैनेजर खुद तो सीपीयू कितना यूज हो रहा है देखो देखो सीपीयू कितना यूज हो रहा है परसेंट टू परसेंट मेमोरी मेमरी कौन सी मेमरी यूज हो रही होगी बताओ रैम यूज हो रही है पचपन परसेंट रैम यूज हो रही है प्रोसेसिंग में हार्ड डिस्क का कोई रोल ही नहीं है देखो डिस्क लिखा है देखो डिस्क डिस्क कितना जीरो परसेंट यूज हो रहा है नेटवर्क इंटरनेट का कोई लेना देना है नहीं इसमें ग्राफिक्स हम लोग यूज ही नहीं कर रहे गेम खेल रहे हो तो यहां भी कुछ आ जाता आप समझ रहे हो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट तो यूज कौन सी चीज हो रही है प्रोसेसिंग में एक सीपीयू हो रहा है और एक मेमोरी हो रही है दैट इज रैम समझा क्या हर ऐप ओपन करने के लिए देखो यहां पे सौ एम बी यहां पर पावर पॉइंट के लिए ढाई सौ एम बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए 100 एम बी टास्क मैनेजर के लिए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव गाइस हर चीज बंद कर देते हैं इसको हर चीज डबल डबल क्लिक करोगे तो शुरू होने से पहले सेकेंडरी मेमोरी से वो रिट्री होके कहा जाएगी बोलो बोलो रैम जाएगी ये डायग्राम मत बनाना ये डायग्राम इनकम्प्लीट है बिल्ड कर रहा हूं पंद्रह मिनट दे दो और रैम से डेटा कहां जाएगा सीपीयू ठीक है चलो देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी रेफर्स टू द मेन मेमोरी डू यू सीपीयू रेफर्स द मेन मेमोरी सीपीयू रेफर्स टू मेन मेमोरी मेन मेमोरी कौन है रैम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रनिंग द प्रोग्राम

सेकेंडरी मेमोरी काफी लोगों को तो जो बहुत जिनके पास बहुत कलेक्शन होता है उनका तो वन टेराबाइट होता है हजार जीबी हजार चौबीस जी बी सेकेंडरी मेमोरी किसी के पास होगा भी हजार जीबी का लैपटॉप ठीक है अल्तज के पास मुझे अल्तज तुम पूरा एग्जाम होने के बाद मिलोगे मुझे ठीक है सेकेंडरी है संस्कार वॉट इज दिस तुमसे ले लूंगा ना मैं थर्ड पार्टी को ठीक है अब आ जाओ सेकेंडरी मेमरीज आर अवेलेबल इन बिगर साइजेस कितना बिग बहुत बिग दस प्रोग्राम एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी तो जो आपका मूवीज है आपके जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कहां स्टोर करोगे सेकेंडरी मेमोरी में ठीक है सेकेंडरी स्टोरेज डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज दैट इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू क्या सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेसिबल है देखो जी नहीं बीच में कौन आ रहा है बीच में रैम आ रहा है क्योंकि सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी की मदद नहीं ले सकता वो बहुत ही स्लो है सीपीयू रैम की मदद ले सकता है द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर नॉन वॉलेटिलिटी किसको टॉन्ट मार रहा है नॉन वॉलीटिलिटी बोल रहा है रैम को ग्रेटर कैपेसिटी पांच सौ बारह जीबी बी एक हजार चौबीस जी दो टैरा ग्रेटर इकोनॉमी रैम के कंपैरिजन में हार्ड डिस्क सस्ती भी होती है एंड स्लो स्पीड अभी स्पीड क्यों स्पीड क्यों कम होगी सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड क्यों कम होगी याद है ना वजन ज्यादा स्पीड कम स्टोरेज ज्यादा स्पीड कम ठीक है अब थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस देख लेते हैं हमने पढ़ लिया वैसे बट फिर भी दिया उन्होंने प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर डू यू एग्री प्राइमरी मेमोरी जो है रैम डायरेक्टली एक्सेसिबल है प्रोसेसर को सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू अब काफी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर जो डिफरेंसेस हमको पढ़ने हैं जो भी हमको डिफरेंसेस पढ़ने हैं वो एग्जाम में कैसे लिखे टैबुलर फॉर्म में लिखे या पैराग्राफ फॉर्म में लिखे एक स्टूडेंट का मेजर डिफर सवाल होता है तो सबके लिए ये अगर कंपैरिजन वन टू वन है अगर कंपैरिजन कैसा है वन टू वन कंपैरिजन है और हर पॉइंट के लिए दूसरे एस्पेक्ट में आपको अपोजिट पॉइंट मिलता है दिस इज वॉलेटाइल दिस इज नॉन वॉलेटाइल आपको डायरेक्टली दिस इज फास्ट दिस इज स्लो अगर आपको ऐसे पॉइंट मिलते हैं एक दूसरे के खिलाफ तो आप टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे जैसे हम बचपन में बनाते थे करेक्ट लेकिन आपको वन टू वन डिफरेंस नहीं मिल रहा तो इस कंसेप्ट को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो दूसरे कंसेप्ट को दूसरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो डिफरेंस खत्म समझा कब क्या करना है तो cool. परकूल आगे बढ़ते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन और डेटा टू बी करंटली एग्जीक्यूट आर कॉपीड टू द मेन मेमोरी सेकेंडरी डेटा कैन बी परमानेंटली स्टोर्ड एंड कैप्ट इन द सेकेंडरी मेमोरी तो जो प्रोसेस हो रहा है वही डेटा रैम में आता है सेकेंडरी मेमोरी का यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है प्रोसेसिंग में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उसका प्राइमरी मेमोरी इज यूजली वॉलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल दैट इज परमानेंट प्राइमरी मेमरीज आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स सेकेंडरी मेमरीज आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटीरियल जो हार्ड डिस्क होती है ना देखो प्राइमरी मेमोरी किससे बनता है सिलिकॉन से से सेमीकंडक्टर बनता है और सेकेंडरी मेमोरी किससे बनता है देखो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटेरियल ठीक है लेकिन आजकल जो है ना आजकल जो है ना पेनड्राइव 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 है ना क्या पेनड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है पेनड्राइव भी ना आजकल सेकेंडरी सेमी सेमीकंडक्टर से बनने लग गया है देन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमरीज फास्टर वाइ एक्सेसिंग डेटा फ्राम प्राइमरी मेमरीज फास्टर सर वो पास में भी है और डायरेक्ट एक्सेस भी है परफेक्ट पास में भी है और डायरेक्ट एक्सेस भी है एंड सेकेंडरी मेमरी इज एक्सेस बाय एक्सेसिंग डेटा फ्राम सेकेंडरी मेमरीज स्लोअर प्राइमरी मेमरी इज एक्सेस बाय द डेटा बस डेटा बस यानी वॉट डी मीन बाय डेटा बस अगर आपने कभी मदरबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर के अंदर तो उसमें ऐसा ऐसी चीजें होती है देखो देखा क्या कभी ऐसा हरे कलर का तो ये जो छोटे छोटे जो चीजें तुमको दिख रही है ना ये मैगाट्रॉन के बच्चे नहीं है ये ये केबल्स ही है अगर आप ये तोड़ दोगे ना तो आपको उसमें से केबल्स निक, निकलेगी तारे निकलेगी आपको इनको कहते हैं बस बस का काम क्या है ट्रांसपोर्ट यहां के जो बस है इनका भी काम है डेटा ट्रांसपोर्टेशन समझा और बल्क में डेटा ट्रांसपोर्ट करता है इसलिए इसको कहते हैं बस अगर सिर्फ दो टाइप का डेटा ट्रांसफर करता, तो तो करता है तो उसको एक्टिव आ कहते हैं बैड जोक बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करता है इसलिए इसको कहते हैं बस इस कंप्यूटर्स की दुनिया में ना आप कभी ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत टेक्निकल होता है या तो बहुत डिफिकल्ट होता है कोई टेक्निकल वेक्निकल नहीं होता हमारे नॉर्मल लाइफ से जुड़े हुए वर्ड यूज किए जैसे मैंने कहा सिस्टम शुरू करने के लिए रेजो हैंड से क्वेश्चन पूछता हूं सिस्टम शुरू करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था मैंने डिफरेंट वर्ड यूज किया था बताओ सुजल बोल बूट ये वर्ड यूज किया था तो ये बूट वर्ड कैसे आया पहले के जमाने में पहले के जमाने में लोग सीपीयू को बूट से लात मार के शुरू करते थे तुमने भी किया होगा टेबल के नीचे रहता था सीपीयू पैरों से दबा दिया बटन पहले थोड़ा जोर से किक करना पड़ता था वहां से ये वर्ड आया बूटिंग हमको लगता है बूटिंग इज सच अ टेक्निकल वर्ड ऐसा कुछ नहीं है गाइस इज इज नो लाइक टेक्निकलिटी एवरीथिंग लॉजिक चलो एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस बाय डेटा बस सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस बाय इनपुट आउटपुट चैनल द कंप्यूटर इज स्मॉल प्राइमरी मेमोरी एंड द कंप्यूटर एज लार्ज सेकेंडरी मेमोरी सही है क्या रैम की रैम की मेमोरी कितनी होती है मैक्स टू मैक्स आठ जीबी सोलह जीबी और और हमारे सिस्टम की हमारे हार्ड डिस्क की कम से कम आजकल स्टैंडर्ड हो गया है हंड्रेण फिफ्टी कम से कम प्राइमरी मेमोरी इज़ कॉस्टियर देन सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी इस प्राइमरी मेमोरी रैम थोड़ी कॉस्टली होती है पर यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी इज एन इंटरनल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इज एन एक्सटर्नल मेमोरी जो आपकी आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो इंटरनल मेमोरी है उस प्रोसेसिंग में हेल्प करती है इसलिए इसको इंटरनल कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी का कोई लेना देना नहीं है नाम ही है उसका सेकेंडरी बाहर के हो तुम समझ रहे हो हो बाहर के तुम जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुलाएंगे हमेशा आने की जरूरत नहीं है घर पर ठीक है यानी रैम इज लाइक यंगर ब्रदर जिसको आपको स्वागत करना ही पड़ेगा घर पर सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक अर फ्रेंड हम चाहते हो हमारे घर आए लेकिन उसको आने नहीं देंगे हमेशा सुबकुल चलो एक बात बताओ आराम से सोचते हैं PPU, RAM, secondary memory. Don't leak the answers. द your hands. CPU रैम सेकेंडरी memory. इसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी सबसे ज्यादा होगी. यार, लॉजिक्स रोहिणी चैतन्य सुजल अनुष्का ईशा श्रिया केतन ईशा व्हाट इज श्रिया व्हाट इज दिस ऋषिका बोल सॉरी टीपीयू कह रही है सही है क्या अलिफिया सही है अलतश सही है आभा सही है क्या नीरज टीपीयू में जो स्टोरेज है उसको क्या कहते हैं नीरज दर्शना टीपीयू में जो मेमोरी है उसको क्या कहते हैं जी सुचित परफेक्ट रजिस्टर्स प्रेजेंट इन सीपीयू इज वेरी फास्ट डू यू अग्री क्यू वाइट इज वेरी फास्ट एब्सोल्युटली करेक्ट कितनी होती है स्टोरेज बाइट्स नहीं बाइट्स नहीं बिट्स रैम इज अ स्लोअर मेमोरी इन कंपैरिजन विथ रजिस्टर्स करेक्ट है रैम इज अ स्लोअर मेमोरी इन कंपैरिजन विथ रजिस्टर्स ठीक है यहां तक ठीक है अच्छा इन तीनों में सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है सेकेंडरी मेमोरी तो एकदम ही बर्बाद हो तो छोड़ी दो उसको अपन गिन ही नहीं रहे क्यों तो क्यों नहीं गिन रहे सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है वो प्रोसेसिंग में उसका कोई काम ही नहीं है चलो थोड़ा अभी अभी वो गेम खेला है वो आउट करने के बाद हाथ पकड़ना पड़ता है और फिर और एक हाथ प... और एक को आउट किया तो फिर खेला है उसको क्या कहते हैं चेन कहते हैं या फिर कहते हैं अंखल इफ आई एम नॉट रॉन्ग खल नहीं है संकल्प वगैरह मत बोलो जाने दो तुम चेन या संखली या संखल या वॉट ये गेम का नाम है अब मैं हूं हमारा क्लास में सबसे मोटा ठीक है ठीक है अब ईशा आपको आपकी बारी है चेन बनाने की ठीक है और सबसे पहले आपको मैं मिला क्या मुझे आउट करोगे मैं 120 किलो का हूं क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी तो ईशा का वजन पौने बारह किलो है तो वो पहले सोलह किलो वाले को कभी उठाएगी ठीक है फिर इक्कीस फिर पच्चीस ऐसे करते करते आखिरी में, में मेरा नंबर आएगा एम ए राइट स्पीड डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गई तो चेन में आउट नहीं कर पाओगे आप लोगों को करेक्ट क्योंकि संकल मुझे 120 किलो वाले बंदे को कैसे खींचोगे तुम करेक्ट है बार बार मैं संखली में पीछे रह जाऊंगा ठीक है गाइस अब ध्यान से सेकेंडरी मेमोरी से डेटा रिट्रीव हुआ दर्शना सेकेंडरी मेमोरी से डबल क्लिक करने के बाद परफेक्ट सेकेंडरी से ये जाएगा रैम और रैम से डायरेक्ट सीपीयू जाएगा क्या डायरेक्ट सीपीयू जाएगा तो इन दोनों में ना इन दोनों में ना बहुत स्पीड डिफरेंस है रैम और सीपीयू में ये बिट्स में है रजिस्टर्स की मेमोरी और इसकी मेमोरी जीबी में है समझ रहे हो तो गाइस दोनों में स्पीड डिफरेंस बहुत ज्यादा है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द स्पीड डिफरेंस वी हैव इंट्रोड्यूस अन अदर मेमोरी एंड दैट इज कॉल्ड एज कैश मेमोरी रजिस्टर्स प्रेजेंट इन सीपीयू इज वेरी फास्ट रैम इज अ स्लोअर मेमोरी एज कंपेयर टू रजिस्टर्स टू कंपनसेट द स्पीड डिफरेंस वी यूज कौन सा मेमोरी वी यूज कैश मेमोरी तो गाइस आ जाओ कैश मेमोरी हमने छोड़ दिया था वो पढ़ते हैं कैश मेमरी यू देयर प्रीवियस पेज पे आ जाएंगे डायग्राम बनाने का मैं पूरा पूरा समय दूंगा समझ लेते हैं फिर डायग्राम बनाएंगे कैश मेमोरी

आपका प्रोसेसर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस कहीं ध्यान से पढ़ो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस अलाउज इंप्रूविंग लोकेशली डिफेक्टिव मेमरी टाइम इन द कंप्यूटर सिस्टम यानी क्या मैं क्या कहता हूं लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस तुम यहां हो तुम यहां हो तुम्हारे पास दो जगह है नंबर वन नंबर टू अगर मुझे फास्ट डेटा चाहिए तो कहां जाओगे टू पे या वन पे लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस विच अलाउज इम्प्रूविंग सब्सटैशियली डिफेक्टिव मेमरी एक्सिस टाइम इन अंप्यूटर सिस्टम यानी अगर आपने कैश हटा दिया तो सिस्टम स्लो हो जाएगा थोड़ा कैश मेमरी स्मॉलर एक्सट्रीमली फास्ट मेमरी टाइप बिल्ट इन टू द कंप्यूटर सीपी यू एंड एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सी पी यू डू यू अग्री इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपी यू कैश मेमोरी स्टोर कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मे इन मेमोरीट कैन एक्सेस इट मोर रैपिडली देन द मेन मेमोरी। इन अब तक हम लोग रैम की वाह कर रहे थे लेकिन रैम को भी हमने थोड़ा सा बाहर कर दिया बीच में कैश लाके हमने स्पीड और बढ़ा दी ये पूरा डायग्राम इतमान से बनाओ ठीक है और कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए बोलिए ना अलतश अच्छे से बोल बेटा मुझे सुना ही नहीं आ रहा कैश मेमोरी की स्टोरेज मैं आपको एक बार लिख देता हूं यहां पे रजिस्टर्स की मेमोरी होती है रजिस्टर्स की मेमोरी होती है मान लेते हैं सिक्सटी फोर बिट ठीक है रैम की मेमोरी होती है कितनी मान लेते हैं सोलह जी तो कैश मेमोरी जो होती है वो जनरली जनरली टू फिफ्टी होती है जनरली कितनी होती है जनरली टू फिफ्टी सिक्स होती है लेकिन वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिजाइन टू डिज़ाइन डिफर करता है ये जो है आप जीबीज एमबीज एम मत लिखना मेरे हिसाब से दिस शुड बी मोर देन इनफ और कोई डाउट्स अगर है तो प्लीज मुझे बताइए ड्रॉ दिस डायग्राम पडिकली ड्रॉ दिस डायग्राम आपको डायरेक्टली डायरेक्टली आंसर रेडी हो जाएगा इस डायग्राम से ओके गाइस एनी डाउट्स इन बिटवीन पक्का स्टार्ट करें आगे बढ़े सॉरी हाँ हाँ ठीक यू टाइम अच्छे से बनाओ गाइस ये एग्जाम ये डायग्राम एग्जाम में भी बनाना है आपने आपनेश इन द मीन टाइम आई एम लविंग योर मैसेजेस ऑल्सो ओके सुपकूल ऋषि सुजल प्रथमेश ईशा डन और सुपरकूल दे यू गो तो गाइस अब उन्होंने प्रोसेसर रजिस्टर और कैश मेमोरी का डिफरेंस मांगा है क्या हम दे सकते हैं प्रोसेसर और कैश मेमोरी रजिस्टर्स और कैश मेमोरी का डिफरेंस चलो देखते हैं प्रोसेसर रजिस्टर हमको ऑलरेडी पता है लेट्स अग्री और डिसअग्री देखते हैं क्या होता है दीज आर हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स विद इन सीपीयू फॉर स्टोरिंग अमाउंट ऑफ डेटा मोस्टली कितना थर्टी टू और थर्टी टू टू सिक्सटी फोर बिट्स मत कहना थर्टी टू और सिक्सटी फोर बिट्स एक फ्लेक तो थर्टी टू दो फ्लैक तो कैश मेमोरी देखो बहुत अच्छे से समझेगा ये इट इज द फास्ट मेमोरी बिल्ड इन टू द कंप्यूटर्स इन टू अंप्यूटर्स यूज टू रिड्यूज दाइम टू एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमरी सही है क्या इज इट अ फास्ट मेमरी

इंटरफेस बिटवीन एंड मेन मेमोरी सिखा है ये डायग्राम क्या था पूरा ठीक है हाँ तो वहां पे मेन मेमोरी लिखा है तो गलत लिखा है मेन मेमोरी रैम एक ही बात है एक ही बात कैश इज एन इंटरफेस मेन स्टोरेज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर ऑपरेशन कैश मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर ऑपरेशन दैट्स दैट हमको दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इस केक वॉक मिनट मुझे बताइए खत्म नहीं हुआ हमारा इनपुट डिवाइसेस डन गाइस इनपुट डिवाइसेस डन प्रोसेसिंग डिवाइसेस डन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस चल रहा है हमारा डेटा hmm. स्टोरेज में हमने कौन से कौन से स्टोरेजेस पढ़ लिए, सबसे पहला इंटरनल मेमोरीज़, इंटरनल मेमोरीज के अंदर रजिस्टर्स और कैश मेमोरी रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर है कैश मेमोरी मदरबोर्ड पे होता है ठीक है उसके बाद मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी कौन सी रैम एंड रोम रैम और रोम में से कौन सी परमानेंट है यू को कोई कंफ्यूजन है परफेक्ट लेकिन रैम और रोम में स्पीड डिफरेंस बहुत रैम और सीपीयू में स्पीड डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो, तो फिर एक इंटरफेस मेमोरी लगेगी तो कंपेंसेट द स्पीड डिफरेंस वी यूज द कैश मेमोरी सुपर कूल कैन वी कौन है पावर पॉइंट चल रहा है दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेल चल रहा है तीसरे कंप्यूटर पे ये क्या चल रहा है जाना दो वेरी yes. नाइस चौथे पे चल रहा है पीडीएफ और हाथ में क्या उस बंदे के देखो फोन पे चल रहा है फेसबुक ठीक है इसमें कुछ गड़बड़ है क्या ये बताओ क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या गड़बड़ है इसमें हद होगी यार क्या ये सारे काम एक डिवाइस पे हो सकते हैं आजकल हम लोग ये सारे काम एक ही कंप्यूटर पे हम लोग मूवी भी देख लेते हैं एक ही कंप्यूटर पे हम लोग पीडीएफ भी चला देते एक ही कंप्यूटर पे हम लोग क्रोम भी चला लेते हैं ब्राउजिंग कर लेते हैं एक ही कंप्यूटर पे पावर पॉइंट भी चालू होता है एक ही कंप्यूटर पे एक्सेल एक ही कंप्यूटर में अकाउंटिंग भी कर लेते सही है अब जितने ज्यादा एप्स ओपन करेंगे जितने ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे उतनी ज्यादा किसकी मेमोरी कंज्यूम होगी बताओ उतनी ज्यादा मेमोरी रैम की कंज्यूम होगी सेप्ट बेसिकली दिस कंसेप्ट यह हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहा हूं दिस कंसेप्ट वेर वन प्रोसेसर कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स वन प्रोसेसर रन मल्टीपल प्रोग्राम कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं इसको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग कहते हैं जेनरिकली ओके ये सारे एप्स तो यह सारे एप्स किसकी मेमोरी में ओपन हुए होंगे गैस करो अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं मजा आने वाली अब हमारा वीएलसी ने इतनी मेमोरी कंज्यूम कर ली ठीक है हमारे ने इतनी इतनी मेमोरी कंज्यूम कर ली गूगल क्रोम ने इतनी मेमोरी कंज्यूम कर ली हमारे पावर पॉइंट ने इतनी मेमोरी कंज्यूम कर ली हमारे टैली ने इतनी मेमोरी कंज्यूम कर ली और अभी हमने एक और एक्सेल खोल दिया एक्सेल ने इतनी मेमोरी कंज्यूम कर ली क्या ये फुल हो गया बोलो क्या ये फुल हो गया हाँ सर ये तो मेमोरी पूरी फुल हो गई यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं अभी यहाँ तो कुछ मेमोरी बची नहीं है सब कुछ क्या हो गया सब कुछ फुल हो गया अब ये तो सब मेमोरी फुल हो गई अब रैम पूरा हंड्रेड परसेंट फुल है अब हमको एक और ऐप चालू करना है अब हमने एक और ऐप चालू कर दिया कोई कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐप टेस्ट का ऐप हमने चालू कर दिया कंप्यूटर पे। तो मेमोरी है क्या रैम के पास रैम के पास मेमोरी अब बची ही नहीं है मेमोरी रैम की खत्म होगी है तो क्या कंप्यूटर अब बंद हो जाएगा ओवरलोडेड बंद यस सुनो, सिस्टम कभी बंद नहीं होने देगा जैसे हमारी इंसानी फितरत है तुमको चार दिन खाना नहीं मिला तो मर जाओगे क्या हम अपने अबे कैसे मारोगे तुम्हारे बॉडी का फैट है ना कब काम आएगा वो पहले फैट से जियोगे ठीक है <laughs> अल्तश तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूं। फैट से जियोगे फिर जब प्रोटीन से जीने की बारी आएगी ना तब मरने लगोगे पांच छह दिन तो नहीं मरोगे ठीक है दर्शनों को डाउट है बेटा योर हैंड इज रेस्ट वेरी नाइस अब हमारी जो रैम है वो फुल हो चुकी है फुल रैम हमारी फुल हो चुकी है रैम हो चुकी है हमारी फुल अब हम जाएंगे किसके पास अब हम जाएंगे हमारी हार्ड डिस्क में बहुत जगह है क्या कहते हो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में बहुत जगह है क्या कहते हो हाँ भाई पांच सौ जीबी कैसे भरता है तू जतिन क्या डालता तू हार्डिस्क में तेरी फूल कैसे हो रही हमारे <laughs> हार्ड डिस्क में बहुत सारी जगह है तो हम क्या करेंगे थोड़ी सी मेमोरी थोड़ी सी मेमोरी किसको दे देंगे थोड़ी सी यानी स्पीड टेस्ट चालू करना है ना तो स्पीड टेस्ट का ऐप यहां चालू हो जाएगा तो जो टैली जिस पे चल रहा है ना वो यहां शिफ्ट हो जाएगा समझ लो मैं क्या कह रहा हूं टैली जो है वैसे भी अभी उसका एकदम से काम नहीं चल रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग पीछे डाल देंगे उसको और वो एक्स्ट्रा मेमोरी कहां की यूज करेंगे हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी लेकिन टैली का एप्लीकेशन जिंदा रखने के लिए हार्ड डिस्क ने अपनी कुछ मेमोरी एज अ रैम यूज कर रहा है, है राइट सेकेंडरी मेमोरी अपना कैरेक्टर छोड़ के ऐसा बिहेव कर रहा है एज इफ इट्स अ प्राइमरी मेमोरी बट वो प्राइमरी मेमोरी है नहीं वेन अ मेमोरी विच इज अ सेकेंडरी मेमोरी एक्ट एज अ प्राइमरी मेमोरी इवन इफ इट्स नॉट अ प्राइमरी मेमोरी वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी आ जाओ वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी इज इन फैक्ट नॉट अ सेपरेट डिवाइस बट एन इमेजिनरी मेमोरी एरिया वर्चुअल मेमोरी कोई अलग से कोई डिवाइस नहीं है हार्ड डिस्क में ही थोड़ा सा स्पेस हमने कार्व आउट करके दे दिया उसको इफ द कंप्यूटर लैक्स रैम नीडेड टू रन अ प्रोग्राम विंडोज यूजेज वर्चुअल मेमोरी टू कॉम्पेंसेट यानी अगर आपके रैम में डेटा खत्म हो गया तो विंडोज किसका यूज करेगा वर्चुअल मेमोरी का यूज करेगा वर्चुअल क्यों क्योंकि एक्चुअली ऐसी कोई मेमोरी है ही नहीं कोई ऐसी मेमोरी है ही नहीं वर्चुअल मेमोरी कंबाइंस कंप्यूटर रैम विद टेम्पररी स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क व्हेन द रैम रन स्लो व्हाट डू मीन बाय रैम रन स्लो रैम की मेमोरी कम हो गई यानी फुल हो गई व्हेन द रैम रन स्लो वर्चुअल मेमोरी मूव्स डेटा फ्रॉम रैम टू अ स्पेस कॉल्ड एज पेजिंग फाइल एक मिनट वर्चुअल ठीक है आपका डेटा जो प्राइमरी मेमोरी में था वो थोड़े समय के लिए हमने कहां ट्रांसफर कर दिया हार्ड डिस्क में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पेजिंग फाइल वेन रैम रन लो वर्चुअल मेमोरी मूव फ्रॉम रैम टू स्पेस कॉलेज पेजिंग फाइल मूविंग डेटा टू एंड फ्रॉम द पेजिंग फाइल फ्रीज टू कंप्लीट इट्स वर्क दस वर्चुअल मेमोरी इज एन एलोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस टू हेल्प रैम यानी रैम ताकि अपना काम करता रहे तो हार्ड डिस्क अपनी स्पेस थोड़े समय के लिए उसे उधार पे दे देता है और एक वर्चुअली एक मेमोरी क्रिएट कर देता है विच इज अ सेकेंडरी मेमोरी बट एक्स एज अ प्राइमरी मेमोरी फॉर सम टाइम और ये एक ऐप को थोड़े समय के लिए धकेल देता है सेकेंडरी मेमोरी में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पेजिंग फाइल क्या कहते हैं इसको पेजिंग फाइल ठीक है डायग्राम बनाना चाहेंगे डायग्राम बना लो फिर एक बार और समझाता दो ऑपरी देखो कैसा है ना मल्टीटास्किंग इज अ बिगर कॉन्सेप्ट इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग एनेबल करता है नहीं भी करता आजकल के सारे कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग एनेबल करते हैं बाकी सब लोग डायग्राम बनाओ और अगर मल्टीटास्किंग डिवाइस है तो क्या जरूरी है हम लोग मल्टीटास्किंग का फीचर यूज़ करें जरूरी नहीं है ना कि मैं करूंगा ही एम मैं ए राइट मैंने सिर्फ टैली खोल के बैठ गया दूसरा कोई ऐप यूज नहीं कर रहा हूं तो डिवाइस मल्टीटास्किंग तो है लेकिन मैं फीचर यूज नहीं करा लेकिन जब आप मल्टीपल प्रोग्राम एक्चुअली रन करोगे तब आप उस मल्टीटास्किंग को यूज करोगे और इस फिनिना को कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग समझा तो मल्टी टास्किंग इज द फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और अगर आप इस फीचर को यूज करके मल्टीपल प्रोग्राम चलाते हो तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग अल्तज बोल कैड आउट है बोलना जो ट्रांसफर हुई वो गई 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 वो स्टोर नहीं होगी सेकेंडरी मेमोरी में तो होगी हो डायग्राम बना रहे हो ना फाइनली ड्रॉ फेरी भी पड़ी है साथ साथ में ओके डन आई होप इट इज डन गाइस शुरू से शुरू करते पूरा कंसेप्ट फिर से पढ़ेंगे हम लोग इस जमाने के नहीं हैं जहां पे एक टास्क करने के लिए अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइस यूज करना पड़ता है आज का हमारा जमाना ऐसे है कि एक ही कंप्यूटर से एक ही सीपीयू से एक ही कंप्यूटर से एक ही सीपीयू से आप मल्टीपल एप्स रन कर सकते हो और जब आप मल्टीपल एप्स रन करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका रैम क्या हो जाएगा बोलो रैम हो जाएगा ओवर ऑक्यूपाई पूरा फुल हो जाएगा और जब आप अगर किसी रीजन से नया नया कोई नया कोई ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो रैम में तो ओपन हो जाएगा नया कोई ऐप ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो जब फॉर एग्जाम्पल कोई तो अमेरिकन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताओ जो बहुत फेमस है इंडिया में नहीं पता क्विक बुक्स यह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है अमेरिकन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यह आप आप जरूर यूज़ करोगे तीन थ्री फोर इयर्स डाउन द लाइन आई जस्ट होप आपने क्विक बुक चालू कर दिया लेकिन हमारे पास है ही नहीं क्या नहीं है मेमोरी ही नहीं है तो हम क्या करेंगे टेम्पररीली हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमें इसका काम नहीं है तो हम लोग इसको सरका देंगे कहाँ कहाँ खसका देंगे हम लोग इसको सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग इसे थोड़ी मेमोरी कार्व करके दे देंगे कि हाँ भाई ले थोड़ी देर तू यहाँ रुक जा थोड़ी देर तू यहां रुक जा तो यूजिंग अ सेकेंडरी मेमोरी एज अ प्राइमरी मेमोरी फॉर सम टाइम विच इज नॉट एक्चुअली अ प्राइमरी मेमोरी इज एन इमेजिनरी मेमोरी वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी और इस ऐप को जो हम अभी एकदम से यूज नहीं कर रहे लेकिन शुरू है उसको हम लोग वहां खसका देते हैं इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं पेजिंग यू गो ये डायग्राम ये डायग्राम आप सिर्फ रेफरेंस के लिए तुम इसको बनाओगे तो एग्जामिनर को समझेगा नहीं आप वहां पर लिख लो ओ एफ यू डायग्राम इज नॉट फॉर मेकिंग इन द एग्जाम दिस इज ओ एफ यू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग हाँ कुछ पूछ रहे थे आप एनी डाउट गाइस ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है पूरे ही है इसमें समझा क्या वो जो वर्चुअल वो जो हमने हार्ड डिस्क की थोड़ी सी मेमोरी जो ले ली ना हमने सौ दो सौ एम बी डिस्क सौ एम बी हार्ड डिस्क थोड़ी सी हमने जो ले ली, उस मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का लास्ट लाइन देखो दस वर्चुअल मेमोरी इज एन एलोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस टू हेल्प टू हेल्प वॉट टू हेल्प रैम टू हेल्प रैम बकुल तो आगे बढ़े हाँ जी जतन ने बोल डाउट आए बेटा कहीं रोहिणी समझा बेटा रिया ईशा श्रुति जतिन केतन तो क्या हमारे डेटा स्टोरेज क्या हमारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस खत्म हो चुके हैं बताओ वी आर डन विद इनपुट डिवाइस आर डन विद डेटा स्टोरेज डिवाइस इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या पढ़ा हमने माउस बारकोड ठीक है ये ये कौन सा था ये कौन सा डिवाइस था मुझे याद नहीं आ रहा है यार बताओ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एम आई सी आर ठीक है चेक के लिए यूज होता है ये ओके तो अब ये थोड़ा हार्डवेयर आर्किटेक्चर पढ़ता है आउटपुट डिवाइसेस हमारा बच्चा है वो कर लेंगे इनपुट डिवाइस से डेटा एंट्री हुई सही तो है ऐसा कहीं डायग्राम देखा है कि हमने जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम करेक्ट प्रथमेश अबा जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम अब प्रोसेसिंग के लिए जाएगा ये समझ नहीं आ रहा ये क्या है कंट्रोल यूनिट ए एल यू ये क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ सीपीयू करेक्ट और इसके लिए भी मेमोरी होती है रेजो हैंड्स ये जो मेमोरी लिखा है ये क्या है रे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या ये क्या ये ये लिखा ही वहां पे। ये मेमोरी कौन सी है रजिस्टर एंड कैश क्या रजिस्टर और कैश को इंटरनल मेमोरी बोला गया देखो 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 नोट्स में इंटरनल मेमोरी ठीक है अब प्रोसेसिंग के लिए कौन सी मेमोरी लगती है प्रोसेसिंग के लिए कौन सी मेमोरी लगती है रैम एंड रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी लेकिन रैम वोलेटाइल है हमें थोड़ी परमानेंट टाइप की मेमोरी चाहिए इसलिए हमने क्या निकाला सेकेंडरी मेमोरी लेकिन प्राइमरी मेमोरी और रजिस्टर्स में स्पीड डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऑर्डर टू कंपनसेट द स्पीड डिफरेंस बीच मेमोरी डू वी हैव क्या इतना डिफिकल्ट है क्या इतना डिफिकल्ट है थोड़ा सा ध्यान देखे सिस्टमेटिकली पढ़ो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या हम क्या हम क्या हम रेडी हो गए हैं आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इस राइट right, अब जाते हैं कौन से डिवाइसेस पे अब जाते हैं आउटपुट डिवाइस अब इतना सारा प्रोसेसिंग कर लिया सीपीयू से कैश कैश रैम मेमोरी डिवाइस ये पड़ा पड़ा सा लगता है क्या देखो तो मेमोरी डिवाइसेस सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी रैम टेम्पररी मेमोरी कैश स्पीड डिफरेंस कॉम्पेंसेट करने के लिए और सीपीयू की मेमोरी को क्या कहते हैं रजिस्टर अब प्रोसेस हो गया जैसे तुमने सब कुछ समझ लिया सीख लिया लर्न कर लिया स्टोर कर लिया अब आके जाके एग्जाम में क्या करना है प्यूक करना है सॉरी प्रोड्यूस करना है एग्जाम में जाके बस जो भी हमको आता है वो दे दो आउटपुट सबसे एक मेजर इश्यू होता है स्टूडेंट का डर बहुत जाता है भाई डरना नहीं है भाई समझ रहे हो तुम इस चीज को ध्यान में रखो डरना नहीं है हमको हम लोग आए यहां पे तोड़ के जाएंगे हम ठीक है आउटपुट डिवाइसेस आ जाओ आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड आउटपुट टू डिसीजन मेकर्स एट ऑल द लेवल्स इन एन एंटरप्राइज टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम द डिजायर्ड आउटपुट में भी विजुअल ऑडियो और डिजिटल फॉर्म्स आउटपुट किसी भी फॉर्म में रह सकता है विजुअल सुन के भी मजा आ सकता है क्या बोलो अरे यार क्या सोचते हो तुम लोग गाने सुनते हैं ना हम लोग ऑडियो लेकिन हमको सुनना नहीं हमको देखना है सर विजुअल और तीसरा डिजिटल फॉर्म अल्तज तुम सच्चे में वीडियो कॉल करो Now, <laughs> output devices are devices through which system responds. Visual output devices like display device. Display device के example देखो, ये पुराने जमाने के monitor क्या कहते थे इसको CRT, CRT है ना? Color Television है ना? Cathode Ray Tube कहते थे इसको CRT है ना? Cathode Ray Tube ये पुराना जमा हो गया और आउटपुट डिवाइस दिखाओ एल सी डी एल ई डी लेजर प्रिंटर हमारे ऑफिस में जाओगे पहला दिन यही इसी से स्वागत होगा तुम्हारा इंकजेट प्रिंटर बड़े बड़े बैनर छपते हैं वो प्लॉटर से छपते हैं ये है प्लॉटर क्या ऑडियो के लिए कौन सा डिवाइस है ऑडियो के लिए बोलो तो ये सारे क्या है आउटपुट डिवाइसेस विजुअल आउटपुट वापस जाते हैं हम लोग विजुअल आउटपुट डिवाइस लाइक डिवाइस लाइक कन्वेस टेक्स ग्राफिक्स एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन शल बी ऑन द डिस्प्ले डिवाइस कॉल्ड ए सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी यानी कोई भी चीज जो आपको डिस्प्ले पे दिखती है वो हार्ड कॉपी है सॉफ्ट कॉपी और अगर वो पेज फॉर्म में है तो पेज फॉर्म में है तो हार्ड कॉपी परफेक्ट एंड डिस्प्ले ऑन फॉर अ टेम्पररी पीरियड डिस्प्ले डिवाइसेज इंक्लूड सी आर टी ट्यूब मॉनिटर्स एल सी डी मॉनिटर्स डिस्प्ले ग्लास प्लाज्मा मॉनिटर्स एंड टेलीविजन वो जमाना गया ग्लास प्लाज्मा वगैरह ये भी ऐसी डिवाइस ग्लास प्लाज्मा एल सी डी एल ई डी सब दिखने में ऐसे दिखते हैं उसका क्लैरिटी का डिफरेंस होता है सिर्फ पिक्चर के क्लैरिटी का डिफरेंस होता है चलो सम टाइप्स ऑफ आउटपुट्स आर टेक्चुअल ग्राफिकल टैक्टाइल ऑडियो एंड वीडियो क्या होता है ये

डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स इंफॉर्मेशन से जैसे ड्रॉइंग चार्ट, फोटोग्राफ एंड एनिमेशन तो पूरी तरह अगर मैं आपको ग्राफिकल आउटपुट का एग्जाम्पल दूँ, तो दिसलटाइल आउटपुट तो दिस ऐसे डिवाइसेस जिसको ब्लाइंड लोग भी यूज कर सके ऐसे डिवाइसेज जिनको ब्लाइंड लोग भी यूज कर सके उनके लिए टेक्सटाइल आउटपुट टेक्टाइल लेने क्या टैक्टाइल टच करके समझने वाले डिवाइसेस टैक्टाइल आउटपुट सच एज रेस लाइन ड्राइंग्स मे बी हु आर ब्लाइंड अगर आपने देखा होगा किसी भी डिवाइस में जहां पे बटन होती है उसमें ना एक दो जगह ना डॉट डॉट्स होते हैं डॉट डॉट्स देखा गया आपने देट इज मैंट फॉर फॉर द ब्लाइंड टेक्सटाइल आउटपुट जो टच से पता चले ऑडियो एनी म्यूजिक स्पीच और एनी अदर साउंड ठीक है तो आपकी जो मैं आवाज सुन पा रहा हूं काफी लोगों को मैं देख तो नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं आपकी आवाज पूरी सुन पा रहा हूं थैंक्स टू थैंक्स टू दिस स्पीकर वेरी गुड वेरी नाइस तो ये कैसा आउटपुट दे रहा हमें ऑडियो ऑडियो इज एनी म्यूजिक स्पीच और एनी अदर साउंड जो हम लोग क्लास देख रहे हो तो वीडियो पे देख रहे तुमको कौन सा आउटपुट चाहिए बाय द वे? वीडियो, वीडियो, वीडियो। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हेडफोन्स, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है? हेडफोन आवाज निकलती ना बाहर स्क्रीन स्क्रीन तो थोड़ी देर पहले इनपुट बोल रहे थे टच स्क्रीन है सर नॉर्मल स्क्रीन नहीं टच स्क्रीन इनपुट भी है आउटपुट भी है ठीक है प्रिंटर वॉइस आउटपुट कम्युनिकेशन है आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन सा कौन सा एरिया हमने कर लिया बताओ यूजर वी आर डन विद हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया है

सॉफ्टवेयर डेटा यूजर और और सबके बीच में कनेक्शन नेटवर्क देर यू आर ठीक है और जो प्रोग्रामर है जो यूजर मेंटेनेंस वाले हैं, वो किस में आते हैं वेरी नाइस वेरी सीपीयू किस में आता है रैम रैम हाजी तो आज जो भी पढ़ाया सब हार्डवेयर में है ऐसी मेमोरी जो है नहीं बट फिर भी है वर्चुअल मेमोरी अरे यार तुमको तो डिफिकल्ट लग रहा था टैली एक मिनट दर्शना टैली किस में आएगा दर्शना सॉफ्ट दर्शना तुमने तो पूछा था इसलिए तो तुमको क्वेश्चन पूछा सॉफ्टवेयर है ना वेरी नाइस कोई बात नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछू पूछे क्या रेजर हैंड्स एली अलग कंपनी का प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर है एच अलग हार्डवेयर है राइट right? इसका दिया हुआ कमांड इस प्रिंटर को समझाने का काम किसका है रेजर हैंड्स इसका काम मॉन सबको आना चाहिए यार मेहनत की हमने डायग्राम भी बनाया है दर्शना नहीं वर्चुअल मेमोरी कहां जिसका कोई नहीं होता उसका वर्चुअल मेमोरी होता है क्या ऋषि का आंसर ऋषि द आंसर इज कंट्रोल यूनिट डायग्राम बनाया नहीं था क्या हमने टाइम नहीं दिया था इसके लिए इस कंट्रोल यूनिट ठीक है कोई बात नहीं अलेफिया टेल मी द थ्री टेल मी द्री फंक्शनल यूनिट्स ऑफ सीपीयू एंड रजिस्टर्स रजिस्टर्स की स्पीड ज्यादा होती है कम स्पीड ज्यादा होती है कितनी होती है एनी वन रेजो हैंड्स। रोहिणी कितनी होती है रजिस्टर्स की मेमोरी? जायद कितनी होती है बेटा मेमोरी? थर्टी सिक्स नहीं रहे तूने कंबाइन कर दिया थर्टी टू और सिक्सटी फोर कोई बात नहीं कोई बात नहीं अनुष्का दिस क्वेश्चन इज फॉर यू कैश इंटरनल मेमोरी है ट्रू फॉल्स कैश इंटरनल मेमोरी है सुचित ट्रू फॉल्स सुचित संस्कार ट्रू फॉल्स ईशा ट्रू फॉल्स कैश इज एन इंटरनल मेमोरी रोहिणी वंडरफुल देखो कंफ्यूज करना मेरा काम है मैं चाहता हूं वो कॉन्फिडेंस बढ़े तुम्हारा रजिस्टर्स और कैश मेमोरी में किसकी स्पीड ज्यादा है आ रहा होते थे, थे रिकन ही जाता हमसे है ना वेरी नाइस प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स दो रेजो हैंड्स वेजो हैंड्स वेजो हैंड्स कम ऑन एवरी वन शुड आंसर डिस प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल संस्कार बोल केतन बोल करेट रैम एंड रोम रैम और रोम में से चैतन्य तेरे लिए क्वेश्चन है राम रहीम कौन बोल रहा है अबे हेलो श्रिया दिस क्वेश्चन इज फॉर यू श्रिया रैम रोम में से कौन सा वॉलेटाइल है रैम वॉलेटाइल है रोम में क्या होता है योर हैंड्स रोम में क्या होता है रोम में क्या होता है श्रुति व्हाट्स योर आंसर ड कौन सा स्पेसिफिक कंसेप्ट होता है ऐसा हमने सिखा है नीरज बोल जतिन बोल बायोस होता है और ट्रांसलेटर्स होते हैं रोम में ट्रांसलेटर है क्या लिखा देखो तो एक बार परफेक्ट ये कौन सी मेमरी है सेकेंडरी मेमोरी ब्यूटिफुल हाँ संस्कार ये मेमोरी बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है रेजोहैंड वेरी गुड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिक परफेक्ट ब्यूटिफुल तो ईशा दिस क्वेश्चन इज फॉर यू तो ये मैग्नेटिक और ऑप्टिक स्ट्रिप से बनते हैं तो ये किससे बनता है रेजोहैंड रेजो हेंड्स ईश करेक्ट सॉरी सिलीकॉन नो एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए इट इज सेमी कंडक्टर वेरी गुड जतन परफेक्ट परफेक्ट कोई बात नहीं ये जमाना जा चुका है ठीक है हमारा अगर डेटा अगर हमारा डेटा इतना ज्यादा हो गया हमारे ऐप्स इतने ज्यादा हो गए कि रैम फुल हो गया तो हम लोग किसकी हेल्प लेंगे कौन से कौन सी मेमोरी की हेल्प लेंगे सेकेंडरी मेमोरी परफेक्ट और सेकेंडरी मेमोरी का थोड़ा सा हम लोग मेमोरी ले, ले लेंगे उस मेमोरी को क्या बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी और जो बहुत ही इनैक्टिव प्रोग्राम जो हमें शुरू रखना है उसको हम वर्चुअल मेमोरी में धकेल देंगे इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं उनको बोलो फेल करके दिखाएं हमको इतना अच्छे से समझा आपको कंसेप्ट कि एक भी आंसर गलत नहीं हो रहा आई एम लविंग इट मजा ही आ गया चलो वंडरफुल mm ओके -hmm. स्पीड डिफरेंस का कॉम्पेंसेशन विच मेमोरी इज रिक्वायर्ड कैश मेमोरी रुका ही नहीं जा रहा इतना अच्छे से आ रहा है रुका ही नहीं जा रहा ठीक है ऑल राइट देन ऑल राइट आई गेस वी आर हम लोगों ने okay, हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ सी में हम लोगों ने कर लिया है हार्डवेयर यूजर हार्डवेयर वी आर कंप्लीटली डन विथ सॉफ्टवेयर वी शेल स्टार्ट टू मोरो तो बकुल आपके कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करे विल बी हैप्पी To help, guys, as far as information systems are concerned, we are done for the day. Okay, we are done for the day and we are calling it a day. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys. In case you have any doubts whatsoever, Instagram pe DM. Kare. I will solve your doubts within four hours. Thank you so much, guys. Take care. Bye bye.